केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को हर तरफ से बधाई मिल रही है। पूर्व मंत्री इमरती देवी दिल्ली से उन्हें बधाई देते समय भावुक हो गईं। इमरती ने चेहरे पर मुस्कान थी पर आंखों से आंसू बहने लगे। ये देखकर सिंधिया भी खुद को नहीं रोक पाए और भावुक होकर इमरती देवी को गले लगा लिया। करीब 20 मिनट तक चली इस मुलाकात में बहुत सारी बातें हुई और मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर चंबल अंचल में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कद बढ़ा है। इस बढ़ते हुए कद में उन सभी विधायकों का बहुत योगदान है जिन्होंने कांग्रेस से भाजपा में जाते समय उनके लिए अपने मंत्री और विधायक के पद को दांव पर लगा दिया था। इन्हीं में से एक नाम है पूर्व मंत्री इमरती देवी का। सबसे पहले सिंधिया के लिए इस्तीफा या मंत्री पद दांव पर लगाने वालों में से एक इमरती देवी सबसे आगे थी।